हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो अगर आप 2000 रुपीस के नीचे एक बड़े डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी मिले, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ हैमर पल्स एक्स का। ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, तो आज मैं इसका एक रिव्यू करूँगा, बात करूँगा इसके डिज़ाइन, फीचर्स और स्पीकर की साउंड क्वालिटी के बारे में, और आपको बताऊँ क्या 2000 रुपीस में ये वॉच लेना वर्थ है नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हैमर पल्स एक्स का बॉक्स। बॉक्स पर टॉप में है इसका ब्रांड नेम हैमर, नीचे है इसका नेम पल्स एक्स विद टैगलाइन री इमेजिनिंग लाइफस्टाइल। साइड में है इसके की फीचर्स जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.83 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले, वॉइस असिस्टेंट। दूसरे साइड में और फीचर्स है जैसे स्मूथ टच डिस्प्ले, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स और 100 प्लस वॉच फेसेस। बैक में मेंशन है इसके स्पेसिफिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और प्राइस। बॉक्स पर इसकी प्राइस है 4999, बट अगर आप इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक से खरीदेंगे तो आपको ये मिल जाएगी 1700 रुपीज़ में। अब बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इस पर सील नहीं लगा है क्योंकि हमने इसे पहले ही टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ओपन कर लिया था। बॉक्स में सबसे पहले है हमारा हैमर पल्स एक्स का डायल ब्लैक कलर में। नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर में स्ट्रैप विथ हैमर ब्रांडिंग, दोनों को बाद में देखेंगे। बॉक्स में नीचे दिया है ये मैग्नेटिक पॉइंट वाला चार्जिंग केबल वॉच को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट है वारंटी कार्ड। वॉच पर आपको 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है और इसके स्टेप्स को फॉलो करके एडिशनल 2 मंथ्स की वारंटी मिल जाएगी। लास्ट है ये यूज़र मैनुअल जिसमें वॉच को पेयर कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स, कनेक्शन ऐप और वारंटी के बारे में बताया गया है। इसमें 1.83 इंच का TFT HD डिस्प्ले दिया है विद 240x283 पिक्सल्स। इसलिए डिस्प्ले शार्प एंड वाइब्रेंट है, टच रिस्पांस भी अच्छा है, UI भी काफ़ी हद तक स्मूथ है इसका, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता स्क्रोलिंग के वक्त। फ्रंट में बेजल्स ज़्यादा नहीं है, साइड फ्रेम मेटल का है जो प्रीमियम फील देता है। बाकी है स्पीकर और बैक बटन। दूसरे साइड में है कॉलिंग के लिए माइक, लॉक बटन और वर्किंग रोटरी क्राउन जिससे वॉच फेसेस और यूज़र इंटरफेस में स्क्रोलिंग कर सकते हैं। बैक में मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट और इसके हार्ट रेट और SPO2 सेंसर्स है। इसे फुल चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगता है। स्ट्रैप पर है हैमर की ब्रांडिंग। स्ट्रैप के लिए स्किन फ्रेंडली, सॉफ्ट और ब्रीदेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। और ये स्ट्रैप्स रिमूवेबल है, तो आगे जाकर आप इसमें दूसरे कलर या पैटर्न के स्ट्रैप भी अटैच कर पाएंगे। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम लगती है और लुक्स अच्छे हैं। डिस्प्ले इंडोर्स में तो काफ़ी अच्छा है, साथ में 500 निट्स की ब्राइटनेस की वजह से डिस्प्ले आउटडोर में भी अच्छा खासा विजिबल रहता है। हैमर पल्स एक्स IP67 सर्टिफाइड, वाटर रेसिस्टेंट भी है, तो स्वेट या हल्के वाटर ड्रॉप्स में कोई भी इशू नहीं आएगा। होम स्क्रीन पर लेफ्ट कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो कुछ शॉर्टकट्स है जिसमें है वेदर, डेट, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, सेटिंग्स और स्पोर्ट्स शॉर्टकट बटन। हॉरिजॉन्टल स्वाइप करेंगे तो इसका वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे एडिशनल वॉच फेसेस भी दिए गए हैं जो मैं आगे बताऊंगा। होम स्क्रीन पर टॉप से स्वाइप करेंगे तो शॉर्टकट बटन्स है जिसमें ब्लूटूथ ऑन ऑफ करने का बटन है, ब्राइटनेस का शॉर्टकट बटन दिया गया है जिसमें 5 लेवल्स है, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शंस अवेलेबल है, बाकी म्यूजिक प्लेयर का बटन और टॉर्च बटन दिया गया है जिससे डिस्प्ले फुल ब्राइटनेस पर ऑन हो जाता है। और लास्ट में है UI स्टाइल्स। इसमें 5 UI स्टाइल्स है जिसमें पहला ये ग्रिड स्टाइल है जिसमें सिर्फ 4 ही आइकॉन्स पर पेज डिस्प्ले होते हैं और आप स्क्रॉल करके दूसरे आइकॉन्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है जिप सोफिला जिसमें ये एप्पल वॉच स्टाइल आइकॉन्स रहते हैं। थर्ड है ग्रिड 9 स्टाइल जिसमें पर पेज पर 9 आइकॉन्स रहते हैं, बाकी स्क्रॉल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है लिस्ट स्लाइड जिसमें सभी ऑप्शंस लिस्ट व्यू में विजिबल होते हैं, जो मुझे पर्सनली काफ़ी इजी लगता है क्योंकि इसमें फीचर्स के नाम सामने ही विजिबल रहता है। और लास्ट में है ब्लॉक लिस्ट वाला स्टाइल जो काफ़ी यूनिक है जिसमें से कर्व स्टाइल में 3 वर्टिकल लाइंस है। अब फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको डेडिकेटेड डायल पैड मिलता है, तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहने पर आप डायरेक्टली यहीं से नंबर कॉल कर सकते हैं, या फिर इसमें कॉन्टैक्ट्स भी सिंक होते हैं तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट को क्लिक करके भी कॉल लगा सकते हैं और टोटल 50 कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन है। उसके बाद इसमें आप कॉल लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैसेजेस ऑप्शन है जिसमें सभी नोटिफिकेशंस जैसे टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के नोटिफिकेशंस आते हैं, लेकिन रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है। पेडोमीटर में आप अपना स्टेप काउंट, स्टेप गोल परसेंट कंप्लीट, वॉकिंग के टाइम आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने कैलोरीज बर्न किए हैं, इन सारी चीज़ों का ट्रैक रख सकते हैं। इसमें स्लीप मॉनिटर मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कितने देर तक और कितनी गहरी नींद में सोए थे, और ये सारी डिटेल्स पेयरिंग के बाद फ़ोन पर सिंक हो जाती है। सेडेंट्री में आप कितने देर से रेस्ट कर रहे हैं उसका ट्रैक रहता है, और अगर आप काफ़ी देर से आइडल बैठे हैं बिना कोई मूवमेंट के तो सेडेंट्री रिमाइंडर से वॉच आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए रिमाइंड करेगी। आप इस वॉच को एज एन अलार्म क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं और अलार्म्स आपको फ़ोन के थ्रू ऐड करने होंगे। फाइंड माई फोन को क्लिक करने पर फ़ोन रिंग होना शुरू हो जाता है और बंद करने के लिए ऐप से फाउंड फोन पर क्लिक करना पड़ेगा। सेटिंग्स में पहले तो है ब्राइटनेस वाला ऑप्शन, नेक्स्ट है हैंड लाइट ऑप्शन जो रेस टू वेक फीचर जैसे काम करता है, जैसे हाथ अपने तरफ ट्विस्ट करने पर डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। वॉच का डिस्प्ले बिना टच के कितना देर तक ऑन रहना चाहिए वो स्क्रीन टाइम आप सेट कर सकते हैं। इसमें आपको डो नॉट डिस्टर्ब मोड भी मिलता है अनवांटेड नोटिफिकेशन से बचने के लिए,
नोटिफिकेशन में वाइब्रेशन चाहिए या नहीं वो भी आप सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज भी आप सेट कर सकते हैं वॉच की, या ऑटोमेटिकली फ़ोन से सिंक पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो वॉच पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि कोई भी आपको वॉच को एक्सेस ना कर सके। अबाउट में वॉच का मॉडल नंबर, सॉफ्टवेयर नंबर और मैक एड्रेस विजिबल है। बाकी आपको वॉच को रिबूट, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स और शटडाउन करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। QR कोड में जाएंगे तो इसमें हैरिफाइन या HRY फाइन, जो आप कहना चाहे उस ऐप का QR कोड दिया है, और ये iOS और Android दोनों के लिए अवेलेबल है। स्कैन करके आप अपने फ़ोन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है। इसे ऑन करने पर पीछे ये सेंसर ऑन हो जाता है, और इसमें आपको मैनुअली हार्ट रेट चेक करना है या फिर टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली चेक करते रहना है, उसका भी ऑप्शन फ़ोन से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। वॉचेस में ये सब सेंसर तो होते हैं बट पूरी तरह इन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, एक्चुअल मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड ऑक्सीजन ऑप्शन, जो आजकल काफ़ी काम में आता है। इन तीन मेडिकल मेनूज को आप इजीली स्वाइप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें 55 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड है, जैसे स्ट्रेचिंग, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, रेसलिंग, जूडो, साइकिलिंग, स्किपिंग, बास्केटबॉल, पुशअप्स, रनिंग एंड मेनी मोर। आप कभी भी एक्सरसाइज को प्ले, पॉज या स्टॉप कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स के हिसाब से टाइमिंग, किलो कैलोरीज बर्न्ड, हार्ट रेट और डिस्टेंस कवर्ड जैसी डिटेल्स विजिबल होती है। नेक्स्ट है वेदर ऐप। फोन से पेयर हो जाने के बाद आपके सिटी का वेदर इसमें विजिबल होता है। इसमें कैलकुलेटर भी दिया गया है जिससे आप डायरेक्टली वॉच से ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बार बार फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉच को आप एज अ टाइमर स्टॉप वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। सीरी ऑप्शन में जाएंगे तो आपके फ़ोन का वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट होता है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी दी गई है रिलैक्स होने के लिए। बाकी व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप और ट्विटर के नोटिफिकेशंस के लिए भी डेडिकेटेड ऐप्स है। आप इस स्मार्ट वॉच को दो फोन से पेयर कर सकते हैं, जिसके लिए इसमें ड्यूल मोड दिया गया है, तो आप चाहे तो उसे ऑफ भी कर सकते हैं। वॉच के थ्रू आप म्यूजिक को प्ले, पॉज या सॉन्ग को स्किप कर सकते हैं, और जब वॉच ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है तब इसके स्पीकर से म्यूजिक भी सुन सकते हैं। साउंड क्वालिटी डिसेंट है और ठीक ठाक लाउड है। जब कोई मैसेज आता है तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सपोर्टेड ऐप्स का। कॉल आने पर डिस्प्ले पर कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन आएगी विथ वाइब्रेशन। आप पिक या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कॉल को। अब चेक करते हैं इसके मेन फीचर को, जो है माइक एंड स्पीकर। तो आप देख सकते हैं कि इस पर अभी कॉल आ रहा है, तो इसके माइक और स्पीकर को चेक कर लेते हैं। हेलो, हाँ, तो अभी मैं हैमर की एक वॉच का स्पीकर और माइक टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी साउंड क्वालिटी क्लियर आ रही है? बैकग्राउंड में थोड़ी फिलहाल नॉइज़ है, तो वो नॉइज़ वगैरह आपको आ रही है स्पीकर में? कोई इशू नहीं है ना साउंड सुनने में? ओके। हैरिफाइन ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है। टॉप में आपका स्टेप काउंट, डिस्टेंस कवर्ड, किलो कैलोरीज बर्न्ड और डेली गोल के डिटेल्स विजिबल है। आपकी पूरी एक्टिविटी की डिटेल्स यहाँ पर विजिबल है, जैसे आपका हार्ट बीट, उस पर क्लिक करेंगे तो अभी हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, और यहाँ टॉप राइट में बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी टाइम टू टाइम स्कैनिंग की डिटेल्स भी विजिबल है। नेक्स्ट है स्लीप मॉनिटर, जिसके रिपोर्ट में लाइट स्लीप, डीप स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट और स्लीप ड्यूरेशन की रिपोर्ट्स है। इसी तरह स्पोर्ट में आपकी सारी एक्टिविटी का ट्रैक है, जो वॉच से सिंक होता है। बाकी नीचे ब्लड ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर की टाइमली रिपोर्ट्स भी स्टोर रहती है। आपका सारा हेल्थ रिलेटेड और स्पोर्ट्स रिलेटेड डेटा ग्राफ वाइज यहाँ पर विजिबल होता है। आप वीक, मंथ या ईयरली रिपोर्ट देख सकते हैं। आप फोन से भी वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज़ का ट्रैक डायरेक्टली रख सकते हैं, जिसमें इन ऐप GPS यूज़ होता है। माय सेक्शन में जाएंगे तो ऊपर यूज़र और वॉच की डिटेल्स है। उसके बाद है डिवाइस सेटिंग्स, जिसके अंदर पहले है फाइंड डिवाइस का ऑप्शन, जिसे ऑन करने पर वॉच वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मैसेज रिमाइंडर, आपको वॉच पर किन ऐप्स की नोटिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको जो भी टाइम और डेट के अलार्म सेट करना है वॉच में, वो यहाँ से ऐड करना पड़ता है। सेडेंटरी रिमाइंडर का ड्यूरेशन, एक्टिवेट होने की टाइमिंग और डे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमोट कंट्रोल सेल्फी, जिससे आप स्मार्ट वॉच को शेक करके स्मार्टफोन से फोटो खींच सकते हैं। स्लीप मॉनिटर की एक्टिवेशन टाइमिंग भी सेट की जा सकती है। हार्ट रेट मॉनिटर का ऑटो एक्टिवेट होने का टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, ताकि वॉच टाइम टू टाइम आपका हार्ट रेट चेक करते रहे। डू नॉट डिस्टर्ब की भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। बाकी वॉच वाइब्रेशन, पावर सेविंग मोड, वॉच लेफ्ट या राइट हाथ में है, वॉच लैंग्वेज, वॉच टाइम, फैक्ट्री रीसेट और रेस्ट टू वेक वाला फीचर कौन से टाइम ड्यूरेशन में वर्क करना चाहिए, उसका ऑप्शन है। डायल में जाएंगे तो माई वॉच फेसेस में डाउनलोडेड फेसेस विजिबल है। उसके बाद डायल मॉल में 100+ वॉच फेसेस अवेलेबल है, और आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी वाइड वेराइटी मिलती है। तो चाहे आपको फंकी कलरफुल वाले चाहिए या फिर सिंपल वॉच फेसेस, सभी यहाँ पर विजिबल है। फिर आपको अपना वॉच फेस सिलेक्ट करना है और उसे डाउनलोड कर लेना है, और वॉच फेस कुछ ही सेकेंड्स में आपके वॉच पर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो कस्टम वॉच फेस, जैसे अपने पसंद के कोई भी फोटो को एज अ वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं। फोटो सिलेक्ट होने के बाद आपको फोटो को क्रॉप कर लेना है, फिर टाइमिंग वगैरह की प्लेसमेंट, कलर सेट करना है, उसके बाद क्या क्या डिटेल्स चाहिए लॉक स्क्रीन पर वो भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड यूज़ पर क्लिक कर देना है, और बस कुछ ही सेकेंड्स में आपका कस्टम वॉच फेस वॉच पर अप्लाई हो जाएगा। आप अपना डेली स्टेप गोल यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस ऐप के लिए डार्क थीम चाहिए या फिर लाइट थीम, उसका भी ऑप्शन है।
कुछ फोन्स बैकग्राउंड ऐप्स को क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से आपको वॉच पर नोटिफिकेशन आने में इशू आ सकता है, तो आपको यहाँ गाइड फॉलो करके हेरिफाइन ऐप को नो रेस्ट्रिक्शन मोड में डालना होगा ताकि कनेक्टिविटी में कोई इशू ना आए। आपने किस किस चीज़ की परमिशन इस ऐप को दी है वो सिक्योरिटी अथॉरिटी मैनेजमेंट में देख सकते हैं। फोन बुक वाले ऑप्शन में से आप कुछ कॉन्टैक्ट्स को यहाँ से वॉच में सिंक कर सकते हैं जिससे वो वॉच में डायरेक्टली अवेलेबल होंगे कॉलिंग के लिए। आप बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ ये वॉच 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू ऑफ हैमर पल्स एक्स स्मार्ट वॉच। वॉच प्राइस के हिसाब से काफ़ी फीचर रिच है, बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है और माइक और स्पीकर क्वालिटी डिसेंट है। अगर आपको ये वॉच बेस्ट प्राइस में खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वॉच कैसी लगी, और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।